हे गाइस, आई एम बैक विद अनदर ब्लॉग। तो मैं अभी कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ और कहाँ आया हुआ हूँ और ऐसे हालत में क्यों हूँ, सब कुछ पता लगाने के लिए आप लोग को ये ब्लॉग देखना पड़ेगा। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आप लोग एंजॉय कीजिए और पता लगाइए कि मैं कहाँ पे हूँ। तो आज का ब्लॉग जो है कुछ स्पेशल है। कहीं जा रहा हूँ मैं पेंडल हॉपिंग करने के लिए। कहाँ जा रहा हूँ, किसके साथ जा रहा हूँ, सब कुछ आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चलिए बाय 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 बाय। अभी हम लोग अमित के घर पे पहुंच गए हैं और अमित अभी फ्रेश होकर आ चुका है। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे, जब निकलेंगे तब मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। तो गाइज, ये है अमित की बहन। हेलो। और ये है उसकी मम्मी। हाय। देखो यहाँ पे बन रहा है क्या आंटी बन रहा है, राधा बल्लभी। राधा बल्लभी, जो कि मैंने कभी भी टेस्ट नहीं किया है। तो ये है उसका अंदर का स्टफिंग और ये है मैदा और उसके अंदर बना के आंटी यहाँ पे रख रही है। तो जब ये पूरा बन जाएगा उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगा। और इसके साथ क्या बनाया आंटी? अरे पीतम बाबा, ये कोचू लाडू नहीं है, हमें खाबो। तो ये मैं छोटा सा गिफ्ट आंटी के लिए लेके आया था कोलकाता से। और इसके साथ एक घुगनी। घुगनी है ना। और अमित का सुंदर सा किचन मैं आप लोग को दिखाऊंगा गाइस। तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी क्या बना है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे बना है घुगनी, देख रहे हो। तो पूरा जब डिश रेडी हो जाएगा तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो गाइस, एक गरम गरम आंटी ने मुझे राधा बल्लभी दिया टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो मैं इसे टेस्ट करके आप लोग को बताता हूँ कि कैसा लग रहा है। फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ गाइस। मस्त बनाए गाइस। जैसे हम लोग नॉर्मली आलू पूरी खाते हैं उसी की तरह है, बट जो फिलिंग है बहुत ज्यादा ही फ्लेवरफुल है। अमित भी बहुत दिन के बाद अपने घर आया है और इसका फैन हम लोग को बात करने नहीं दे रहा है। बंद करो हाथ जोड़ के। कैसा लगा तुझे? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो ये बंगाली लोगों को पता है, ये है राधा बल्लभी। इसके अंदर क्या स्टफिंग है मुझे ठीक से पता नहीं है, बता दो। इसका जो है क्या, मूंग दाल। मूंग दाल ना, मूंग दाल नहीं, जिससे वो बड़ी देते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, जिससे बोलते हैं आप लोग दही बना बनाते हैं ना। अच्छा, उसका मतलब स्टफिंग है, उसका स्टफिंग है इसके अंदर। और उसके साथ है घुगनी जो हम लोग नॉर्मली खाते हैं। तो तुझे अच्छा लगा मैं आया तुम्हारे घर पे? एकदम फर्स्ट टाइम। तुम्हें कैसा लगा वो बोल, मैं तो बताऊंगा घर पे जाके। एकदम। One hour later. तो गाइस, अभी हम लोग कृष्णनगर पहुंच चुके हैं। अभी टाइम है 9:16 हो रहा है टाइम। अभी हम लोग घूमने जाएंगे। चलिए मैं आप लोग को पेंडल, ठीक है। तो गाइस, एक नए राइड पे हम लोग जा रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसे कभी भी मैं कहीं घूमने नहीं गया हूँ, तो ये पहली बार ऐसे जा रहे हैं हम लोग। तो वेट, मैं आप लोग को उतर के दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो है बागाडांगा का बाघा माँ को देखने। ये भी मतलब इधर का जो मेन तीन मूर्ति है, छोटा माँ, बूढ़ी माँ और बाघा माँ, ये तीन बहन हैं। तो हम पहले एक बहन को देखने जा रहे हैं, उसके बाद बाकी बहन को भी देखेंगे। तो आप लोग भी देखते रहिए हमारे ब्लॉग पे, बने रहिए और ब्लॉग को देखते रहिए। थोड़ा अंधेरा अंधेरा हो रहा है, समझ सकते हो। तो अभी चलते हैं हम लोग, देखते हैं वहाँ पे, मैं आप लोग को सब दिखाता हूँ।
तो गाइज अभी तक आप लोगों ने दो तीन पंडाल तो देख ही लिया। लास्ट वाला जो पंडाल देखा वो अमित के मामा के घर का है। तो अभी उसके मामा के घर के लोग सब बाहर गए हुए थे तो हम लोग उसके घर पे नहीं उनके घर पे नहीं जा पाए, बट ये उनके घर की तरफ से। और जो भी मुकुट वगैरह उन्होंने पहना था वो सब कुछ गोल्ड का था, रियल गोल्ड। तो वो बाकी जब पूजा ख़त्म हो जाता है तो वो सब बैंक में रख दिया जाता है। तो ठीक है, और बाकी का डिटेल्स मैं आपको देखता रहूँगा और बाकी के सारे पंडाल देखते रहिए आप लोग। What we do here is go back, 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 back. প্যারিসের আইফেল টাওয়ার, এখানেও ঠাকুর হয়েছে তো। तो गाइस मैक्सिमम पंडाल मैं आप लोग को दिखा चुका हूँ। तो अभी जो है मेन बूढ़ी माँ, देखते रहिए और बने रहिए ब्लॉग में।
तो गाइस अभी तक आप लोगों ने बहुत सारा पेंडल हॉपिंग देख लिया होगा। अमित बजा रहा है, ये मैं खरीद के लाया हूँ अपने लिए, पर बजा ये रहा है। ब्लॉग पे बने रहिए और देखते रहिए, जब खत्म होगा मैं आप लोग को बताऊँगा। Next morning. So guys, meet Amit का pet. इसका नाम है चीकू. चीकू, मामा. उम्बा. तो गाइज मैं हूँ अभी अमित के छत पे। तो देखिए यहाँ पे कितना सारा फूल प्लांट सब लगाया हुआ है। उसकी मम्मी का तबीयत ख़राब था, आप लोग याद होगा कि लास्ट टाइम वो जब आया था मेरे घर पे, तो उसके वजह से ऊपर का कोई साफ़ सफाई करने वाला कोई नहीं है। तो अभी ऐसा हालत है कोई ना, बट मैं जो आपको दिखाना चाहता था मेन थिंग इज दिस, सी उसके घर के ऊपर ड्रैगन फ्रूट उगा है गाइज, पका नहीं है कच्चा है, एंड ये है उसका प्लांट। इतना महंगा होता है ड्रैगन फ्रूट, एंड ये उसके घर पे उगा है। दो ड्रैगन फ्रूट उगे उसके घर पे, और ये है लेमन ग्रास, इसका स्मेल मस्त है गाइस। द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो गाइस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आज है दूसरा दिन, मैं कल शाम को आके घर पे पहुंच गया था, पर ऐसा नींद आ रहा था मुझे कि मैं सोया हूँ और आज सुबह उठ रहा हूँ। बीच में उठा था, थोड़ा खाना खाया, तो मुझे बहुत मजा आया गाइस। और मैं अमित के घर पे पहली बार गया था, अमित ने मुझे इन्वाइट किया था उसके घर पे, मुझे जाके ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं किसी नए लोगों के घर पे आया हूँ। इतना अच्छे से आंटी अंकल और उसकी बहन ने ट्रीट किया, और कल कितने सारे टाइप्स के लंच में भी उन्होंने फूड बनाए थे जो कि मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाया, बट कोई ना, और फिर कभी जाऊँगा तो फिर ज़रूर आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगा। और थैंक यू अमित फॉर इन्वाइटिंग मी, बहुत मज़ा आया गाइस। आप लोग को भी मज़ा आया होगा मेरा ब्लॉग देख के, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और कमेंट में ज़रूर लिखना जय माँ जगतधात्री। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में।